लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 23 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए स्वर्गीय पिता को हम दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। जरा याद करें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने और आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें आज के दिन जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से अपनी कृपा से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपको महिमा मिले प्रभु, आपको हर एक आदर और महिमा मिले, हालेलुया। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 34 में कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। मेरे प्रिय लोग, हमारा भी यही अनुभव होना चाहिए, हमारे मुँह से हमेशा परमेश्वर की स्तुति होती रहे। दुख के समय, सुख के समय, खुशी के समय, हमेशा दर्द में भी हो तो भी हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हमें लगता होगा कि हमें जब कुछ मिलता है या सब जब अच्छा होता है तभी हम स्तुति कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय लोग, हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो, हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं, यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और पांचवा वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे और कहे, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से संभालते हैं, हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी हर एक जरूरतों पर आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, आपके असाधारण अनुग्रह को अनुभव करने का स्वर्ग पिता आप हमें ये मौका देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। पिता, आज के दिन प्रत्येक रूप से जो भी प्रार्थना करते हैं या जो आग्रह रखते हैं कि उनके इस विषय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके हाथों उनको समर्पित करते हैं और आप उनके लिए यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रवर्तित हो, आपकी प्रवृत्ति को देखने में सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। अब प्रार्थना करते, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। जो भी उनकी बुढ़ापे के कारण जो भी परेशानी हो रही है, हालेलुया। जो भी माता पिता की उम्र हो गई है, प्रभु आप उनकी सहायता करें पिता, हालेलुया। उनका जो आरोग्य है वो कमज़ोर होता जा रहा है, प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर बने रहे। जिनकी जो याददाश्त है वो कम हो गई है, प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी उम्र बढ़ने से जो भी परेशानी हो गई है, हमारे माता पिता को आपके हाथों समर्पित करते हैं, हालेलुया। पूर्ण आरोग्य मिले, पूर्ण आयु उनको आप दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आपका दिव्य संरक्षण आप देखकर आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आपके भलाई से आप तृप्त करते हैं, आपके हर एक वादाओं को आप देखने में सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, जो कैंसर से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण तरीके से जो भी कैंसर की जो बीमारी है वो नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में वापस लौट आए, हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी भार से या प्रयास से है, अलग अलग तरीके की परेशानी से है, पारिवारिक जीवन में जो समाधान से जो पीड़ित है, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से समाधान और शांति हो, प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके पारिवारिक जीवन में दिखे। परमेश्वर, बच्चों के विषय में भी आप अद्भुत कार्य करें। हम आज के दिन एक साथ आपकी स्तुति करते हैं और हर एक अभिषिक्तों को, दास दासियों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, कलीसिया को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं। सबको आप सहायता करें, जो भी कष्ट से है, जो भी रोग से है, आप उनको आश्वासन देकर प्रभु आपकी कृपा उनके जीवन में प्रवर्तित हो, आपकी उपस्थिति से आप हमें भर दे प्रभु।
कल की मीटिंग को भी आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। कल के आने वाली मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, आप अद्भुत कार्य करते हैं हमारे बीच में उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, ईश्वर मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम उसके लिए तैयारी के साथ रहें। इस दुनिया के कार्यों में हम इस दुनिया के मोमाया में ना जीकर हम अलग होकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम चलने वाले और जीने वाले हो। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 6:12 वचन हम ध्यान देंगे, उसमें लिखा गया है, आज के दिन हमें परमेश्वर अगुवाई देते हैं कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। पिता ने जो हमें बुलाया है स्वर्ग परमेश्वर ने कि हम उनकी जो भी वादाएं हैं उसको हम प्राप्त करें, और उनके सभी वादाएं जो है वो हाँ और आमीन है। हालेलुया। कहीं पे भी ना नहीं बोला है और ना ही उनका वचन बदलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसलिए उनकी जो भी वादाएं हैं वो पूरा होता है, और उसको वो हम प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें विश्वास, और दूसरी चीज एक है कि हम उनका इंतजार करें। हालेलुया। अगर हम ये दोनों चीजें करने के लिए तैयार हो तो हमें जरूर हम वो प्रतिज्ञाओं को हम पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अब वो हमारे पारिवारिक जीवन हो, हमारा बिजनेस के बारे में, हमारे बच्चों के विषय में हो, या काम के विषय में, कलीसिया के विषय में, कोई भी विषय हो मेरे प्रिय लोग, वो सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरा करके देंगे। हर एक वादाएं पूरे होगा, लेकिन उसके लिए विश्वास होना चाहिए और धीरज होना चाहिए। आज की जो पीढ़ी का सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमको हमें से कोई भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। हालेलुया। कि हम किसी से प्रार्थना भी करें तो तुरंत हमें मिल जाए, हमें चंगाई तुरंत मिल जाए, हर कुछ चीजें तुरंत 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 हो जाना चाहिए, और फिर हम अलग अलग चीजों में भागते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसी एक व्यवस्था नहीं है। वचन हमें सिखाता है कि अगर हम विश्वास के साथ और धीरज के साथ रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो प्रतिज्ञाओं के वारिस हम होते हैं। जिस तरीके से इब्रानियों की किताब 6:14 वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, ऐसा इब्राहिम से कहा गया, और इसलिए उन्होंने क्या किया, और इसी रीति से उसने धीरज कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने वो जो प्रतिज्ञा और परमेश्वर ने जो दी उसको पाया, धीरज धर कर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी ये बहुत ज़रूरत है, इस पीढ़ी की ज़रूरत है। हालेलुया। हम ये ना सोचें कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, जो तुरंत चाहिए होता है वो परमेश्वर हमें देंगे, जो हमारी आवश्यकता है परमेश्वर उसको पूरा करके देंगे, लेकिन हमें एक निर्णय लेना है कि मुझे सब परमेश्वर से चाहिए, मानसिक तौर से नहीं, मुझे कोई भी गलत रास्ते से या छोटी जगह से ऐसे आराम से नहीं, लेकिन परमेश्वर से उत्तम तरीके से मुझे मिलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप जो भी करते हैं सब कुछ उत्तम करते हैं, आपकी पद्धति जो भी है मेरे जीवन में वो पूरा हो, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हम बने, परमेश्वर आपके वचन में चलना है पिता। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, याद रखें, हमारा परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं, वो मनुष्य नहीं है कि उनका वचन बदल जाए, लेकिन वो परमेश्वर खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि वो करेंगे तो वो जरूर करके देंगे, परमेश्वर हमें ऊंचाई में लेके जाएंगे तो वो जरूर हमें उन्नति देंगे। हालेलुया। और इसलिए जो प्रतिज्ञा, जिस परमेश्वर ने हमें ये वादाएं दी है, वो सृष्टि का पूर्ण तरीके से सृष्टि करता है। हालेलुया। और इसलिए हम प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हो, धीरज धरने के लिए तैयार हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इस दुनिया में कुछ काम करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, हम लास्ट मिनट तक खड़े रहते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और इंतज़ार कर लेते तो वो हम अपना पूर्ण लक्ष्य तक पूरा कर लेते। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम इसलिए ध्यान दें हमेशा कि हम ऐसे इंतजार करने वाले हो, हम आधे रास्ते में छोड़कर जाने वाले ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है, इसलिए हम इंतजार करें। वचन कहता है कि वो जिस तरीके से गए हैं वैसे ही आएंगे, और इसलिए परमेश्वर की कलीसिया अभी इंतजार कर रही है परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए। हालेलुया। काफी बार लोग कहेंगे कि बहुत टाइम से, बहुत समय से हम ये सुन रहे हैं, नूह के समय भी ऐसा हुआ था, कभी बारिश हो गई करके, कभी किसी
ने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब सुना तो नूह ने सुना और उसको पूरी तरीके से इंतजार करके उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा होते हुए देखा, लेकिन बाकी सब ने वो प्रतिज्ञा या जो परमेश्वर का जो वचन था उसको माना नहीं। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को कहा कि वो आनंद मनाएंगे, जो है खाएंगे पिएंगे और जैसे होगा वो देखेंगे, और इसलिए वो क्या हुआ, उनके साथ वो नाश हो गए दुनिया में। लेकिन उनका और उनका परिवार जो है वो उस जहाज में चढ़कर वो बच गए। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमेशा ध्यान दें, परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है और इसलिए हम इंतजार करते रहे धीरज के साथ, विश्वास के साथ, हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी के साथ है। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है हमारा परमेश्वर, जब तुरही बचेगी वो जल्द आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए धीरज धर कर परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञाओं को पाने वाले हम बने। हालेलुया। और इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और बिना भूले कल शाम को 9:30 इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, आप उसके भागी बने और आशीषित रहे। आमेन।